हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। काफ़ी लंबा समय हो गया मुझे वीडियो अपलोड किए हुए। कुछ हेल्थ इशू था जिसके वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। पीडीएफ बन के भी रेडी था, सारा चीज़ था, लेकिन तबीयत ज़्यादा डाउन होने के वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो अब तबीयत ठीक ठाक है तो हम वीडियो अपलोड आज से वीडियो को अपलोड करेंगे। आज से क्लास कंटिन्यू हो जाएगा, डेली एक वीडियो अपलोड आपका होगा। जैसे इस चैनल पे आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे हम लोग साइंस से रिलेटेड, सीटेट साइंस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं उसको मैं इस पर डील करता हूँ और उसका ही वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आज भोजन वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ जो टॉपिक है, लेकिन आज उसी को मैं फिर दोबारा क्लास से रिपीट करूँगा, एकदम शुरुआत से फिर क्लास को मैं चालू करूँगा। टॉपिक वाइज होगा ये आपके लिए। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि किस भोजन होता क्या है, एक संतुलित आहार होता क्या है और कहाँ से वो प्राप्त होता है और कौन कौन स्रोत होते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो क्या होता है, पोषक तत्व तो क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, उससे कमी से कौन कौन रोग होता है, इस वीडियो में हम लोग उसी को जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को चालू करेंगे। उसके बारे में आर के पाल, आपका अपने चैनल आर पी सी टेट पॉइंट में स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पे मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे संतुलित आहार कहते किसे हैं। आहार तो आप समझ ही गए होंगे, आहार किसको कहेंगे। तो जो चीज़ भी हम लोग खाते हैं, जो चीज़ भी हम खाते हैं, जो हम खाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। पिछले वीडियो में जो हम खाते हैं उसको हम लोग आहार कहते हैं। पिछले वीडियो में हम इसको डील कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कि उसको आहार कहा जाता है, ठीक है। अब उसी में आहार जो होता है कई तरह का होता है, तो उसमें संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। संतुलित आहार का मतलब होता है बैलेंस डाइट क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। संतुलित आहार इसका हिंदी होता है, उसको क्या होता है ये जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है। जैसे लिख रखे हैं यहाँ पे हम, और यह लिख रहा होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टोटल चीज़ें हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसे आहार कहा जाता है। मैं अभी बताया कि हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं दिन भर में, जितनी भी चीज़ें लेते हैं, यानी ब्रेकफास्ट से लंच फिर डिनर जितने भी चीज़ें लेते हैं उसको हम लोग आहार करते हैं। और ये हमारे काम क्या करते हैं, आहार जो होता है ये हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आहार हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक। और इसमें अनेक तरह के सभी तरह के पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, जिनकी हमको ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनकी ज़रूरत होती है। तो एक वो निश्चित मात्रा में होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा होता, देखिए यहाँ पे लिखा ही है कि ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही आवश्यकता से अधिक, ना ही कम होना चाहिए, जितना चाहिए हमको वो मिलना चाहिए। और आपको पता है कि पोषक तत्व जो होता है मुख्य रूप से 5 तरह से पाया जाएगा, जो मैं बताया ही था। एक तो विटामिन होता है, विटामिन होगा, फिर आपका प्रोटीन होगा, फिर कार्बोहाइड्रेट होगा, फिर मिनरल्स होगा और फैट होगा। ये BPCMF, इसको मैट्रिक्स से भी एक बार बताया था कि विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स और फैट, ये चीज़ें पाई जाती है। इसको हम लोग बोलते क्या हैं, इसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स इसको कहा जाता है, यानी पोषक तत्व का है। तो ये हमारे शरीर में ना ही अधिक होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को आहार में रूक्षांश भी होता है, जल भी होता है, टोटल चीज़ें होती हैं हमारे बॉडी में, हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे खाना में टोटल चीज़ होती है, आहार में टोटल चीज़ होती है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व पाया जाए और वो ना अधिक हो ना कम हो, उसके अलावा हमको रूक्षांश तथा जल भी होना चाहिए, ऐसे आहार को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। अब आप ये समझ पाए होंगे, आगे देखते हैं इसी में। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि कहाँ कहाँ से ये चीज़ प्राप्त होंगे, जैसे विटामिन हो गए, वसा हो गए, ये सब कहाँ से प्राप्त होंगे।
तो इसी को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वसा से। वसा ही जरूरी होता है सबसे पहले, तो वसा से सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जरूरी होते हैं, लेकिन उसमें वसा है। आप फिगर में आप देख रहे होंगे कि वसा के यहाँ पे कुछ स्रोत रखे हैं। वसा एक स्रोत है, पादप स्रोत भी है और जंतु स्रोत भी है, दोनों स्रोत यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखेंगे आप फिगर से, आप देख सकते हैं मांस, मछली, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडा इत्यादि, ये जितने होते हैं क्या है ये जंतु स्रोत हैं वसा के। ये जंतु स्रोत है वसा के। ऊपर देखेंगे पौधे का पादप स्रोत जो होता है वसा का कौन कौन होता है, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, गिरी बादाम, बादाम जो होता है, मूंगफली जो होता है, ये अखरोट भी होता है। ये देखिए ये जितनी भी चीज़ें होती हैं सब में क्या होता है, फैट्स मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी ऑयली चीज़ हम लोग जितना ऑब्जर्व करते हैं सब में फैट्स मिलता है। तो ये पादप वाला हो गया, और इसी को जंतु वाला देखेंगे तो जंतु वाला में आप देख सकते हैं नीचे क्या क्या मिलेगा। तो जंतु वाला में देखिए मांस है, जंतु वाला में देखिए मांस है, घी है, दूध है, मक्खन है, क्रीम है, मछली है, ये जितने चीज़ें होते हैं अगर ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं तो इस समय फैट्स मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये प्रिय समझे होंगे ये पादप स्रोत और जंतु स्रोत है। तो जंतु से मछली खाते हैं, मांस, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडा, ये जितने भी चीज़ लेते हैं इसमें फैट्स पाया जाता है। उधर जितने भी ऑयल होंगे, रिफाइन हो गया, चाहे तेल हो गया, सरसों सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, गिरी हो गया, बादाम हो गया, ये टोटल चीज़ से हमें हमें फैट्स मिलता है। अब आगे देखेंगे इसमें, देखिए यहाँ पे प्रोटीन के कुछ स्रोत आपको दिखाई देंगे, पादप स्रोत भी है, जंतु स्रोत भी। मैं दोनों को लिया हूँ कि पादप स्रोत में, पादप में भी क्या क्या खाएंगे और मांस में भी क्या, सॉरी जंतु में भी क्या क्या खाएंगे तो मिलेगा। तो पहले देखिए पादप में देख लेते हैं। तो पादप में देखेंगे तो इसमें चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर, मूंग का दाल, ये जितने होते हैं इस सबसे क्या होता है, इस सबसे सोयाबीन। इसके अलावा देखिए सब प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत जो होता है सोयाबीन होता है, इसको तो मैं छोड़ ही दिया था। मटर हो गया, राजमा हो गया आपका, दलिया हो गया, यानी जितनी भी दलहनी पौधे होते हैं उसमें हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और अगर कहा देखिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में 2011 में ये पूछा हुआ था कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन होता है, तो वो सोयाबीन होता है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। तो ये पादप स्रोत हो गए। अब इसी का जंतु स्रोत देख लेते हैं। तो जंतु स्रोत इसका देखेंगे तो जंतु स्रोत में आप देखिए दूध हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इससे हमें प्रोटीन मिलता है। ये सेम चीज़ से फैट्स भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है। इसके पीछे अभी आप देखें पीडीएफ में। अब आगे देखते हैं आयोडीन के कुछ स्रोत है यहाँ पे, फिर लोहा के कुछ स्रोत है, यानी खनिज में हम लोग आ गए। तो देखिए आयोडीन के कुछ स्रोत जो है वो क्या क्या है, तो वो पालक है, पालक में आयोडीन पाया जाता है, अदरक है, फिर मछली है, दही है इत्यादि, ये जितने भी चीज़ होते हैं इसमें आयोडीन पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि आयोडीन की मात्रा हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए, पूरा एकदम संतुलित होना चाहिए। अगर आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन बढ़ जाता है और हमें घेघा रोग जो होता है, गलगांडी जिसको बोलते हैं, वो रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन का मात्रा भी संतुलित होना चाहिए शरीर में, तो उसके लिए हम ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यहीं पे देखेंगे फास्फोरस के कुछ स्रोत दिया हुआ है, फास्फोरस कहाँ कहाँ से पाए जाएंगे, तो देखिए दूध से, केला से इत्यादि से क्या पाए जाएंगे, फास्फोरस पाए जाएंगे। फिर लोहा का कुछ स्रोत यहाँ पे दिया हुआ है, तो लोहे का स्रोत देखेंगे सोर्स, तो वो क्या, देखिए कलेजी से, फिर पालक से, फिर गुआवा से, नाशपाती से, सेब से, क्या होंगे ये आयरन हमारे मात्रा में ज़रूरी होता है ये पाए जाते हैं। फिर आगे देखेंगे कैल्शियम के स्रोत कुछ हैं, तो कैल्शियम दो चीज़ से ज़्यादा मात्रा में मिलता है, एक तो दूध में मिलेगा और एक अंडा में मिलेगा। तो ये जितने भी थे ना ये खनिज लवण के स्रोत थे, अभी जितना मैं बताया ये सब मिनरल्स के स्रोत थे, मिनरल्स यहाँ से प्राप्त होते हैं और इस सब की मात्रा ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में। अब यहाँ पर देखेंगे विटामिन, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो विटामिन, विटामिन और प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ज़्यादा मात्रा में इसकी हमें ज़रूरत होती है। और प्रोटीन को तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है, और विटामिन जो है, विटामिन
पूरे बॉडी को एनर्जी देता है। तो विटामिन कई तरह के होते हैं, आपको पता होगा कि विटामिन ए, विटामिन के प्रकार कई होते हैं, विटामिन ए होता है, बी होता है, सी, डी, उसके बाद से ई, उसके बाद से विटामिन के होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। विटामिन बी के भी कितने रूप होते हैं, B2 होता है, B4 होता है, B6 होता है, B12 होता है, ये विटामिन के प्रकार होते हैं। ठीक है, विटामिन मैं पढ़ा चुका हूँ चैनल पे, उसका वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें केवल संतुलित आहार में क्या क्या मिलता है यही देख लेना है फिगर से। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि विटामिन ए के कुछ स्रोत दिया है, पपीता, गाजर, आम, दूध, मछली का तेल इत्यादि हम लोग क्या करेंगे, खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब देखिए नीचे विटामिन बी के स्रोत दिया हुआ है, सभी विटामिन को देखेंगे यहाँ पे, चावल से विटामिन बी मिलता है, गेहूँ से विटामिन बी मिलता है, यकृत यानी कलेजी वगैरह वगैरह खाते हैं उससे हमें क्या मिलेगा, विटामिन बी मिलेगा। विटामिन सी, जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे उसमें विटामिन सी मिलेगा, याद रखेंगे। जैसे संतरा, सबसे ज़्यादा संतरा में पाया जाता है विटामिन सी, उसके बाद से आंवला, नींबू, मिर्च, अमरूद, टमाटर, या इसके अलावा जितने भी खट्टा, अंगूर, जितने भी खट्टे चीज़ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, याद रखेंगे आप। अब विटामिन डी में देखेंगे तो विटामिन डी के कुछ स्रोत में सबसे ज़्यादा मछली, अंडा, मक्खन, दूध, यकृत, वही लिवर, ये जितने भी होते हैं, मतलब कलेजी, कलेजी जिसको बोलते हैं, ये सारे चीज़ें हमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अब देखेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या स्रोत हैं वो देखेंगे। देखिए एक तरबूजा, आम, पाल, मक्का का बाल, बाजरा, चावल, गेहूं, स्वीट पोटैटो यानी कॉर्न, आलू, ये जितने भी चीज़ें होते हैं इनसे हमें क्या मिलता है, मक्का, शकरकंद, गन्ना, ये जितने भी चीज़ होते हैं, पपीता, है सबसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये आप देख चुके हैं ये विटामिन के स्रोत थे, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत थे, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। विटामिन सी वाला जरूर याद रखेंगे, विटामिन सी के अच्छा स्रोत कौन होता है, तो वो आंवला होता है, सबसे ज़्यादा आंवला होता है, उसके बाद से फिर संतरा होता है, अमरूद होता है। विटामिन डी के भी पूछेगा तो कार्बोहाइड्रेट के भी पूछेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कोई विटामिन कमी हो जाती है तो उसे कौन कौन रोग होते हैं, कौन कौन विकार उत्पन्न होते हैं, क्या क्या लक्षण होता है, क्या क्या दिखाई नहीं देते हैं, उसको एक तालिका के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, तो इसको समझेंगे। देखिए विटामिन ए है, विटामिन ए से रोग जो होता है ये क्षीणता होता है, दृष्टिहीनता यानी रतौंधी होता है। इसमें क्या होगा लक्षण, क्या क्या होगा, कमज़ोर दृष्टि दिखेगा नहीं, रात में कम दिखाई देगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वो विटामिन ए की कमी से होता है, उसको हम लोग रतौंधी कहते हैं। अब देखो विटामिन बी वन, तो विटामिन बी वन से रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी होता है, और इसका पहचान क्या है, दुर्बल पेशी और काम करने की ऊर्जा में कमी आने लगता है, तो विटामिन बी वन की कमी हो जाता है। अब देखिए विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग, इसमें क्या होता है, मसूड़ा जो होता है उसे खून निकलना, मसूड़ा जो होता है उससे खून निकलने लगेगा, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ये विटामिन सी की कमी से रोग होता है, मसूड़े से खून निकलने लगेगा, दांत हमारा जो होता है। विटामिन डी, अब देखिए इससे रिकेटस होता है, रिकेटस का मतलब अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, इसमें हमारी हड्डी जो होगी वो क्या होगी, मुड़ जाएगी, ये लक्षण होगा। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम नेक्स्ट कैल्शियम है, तो कैल्शियम जो होता है उसमें अस्थि और दंत अस्थि क्षय, दंत क्षय होता है, मतलब कैल्शियम जैसे ही कम होगा ना तो दांत जो होता है क्षय होने लगता है, टूटने लगता है, और इसमें कमजोर अस्थि होने लगती है और दंत क्षय होने लगता है, इन हड्डी कमजोर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेरा रोग होता है, जैसे मैं पहले ही बता दिया, इसमें क्या होगा, गर्दन की ग्रंथि जो होता है फूल जाता है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आने लगता है। अब देखिए लोहा अगर आ गया, लोहा की कमी हो गई तो अरक्तता हो जाएगा, यानी हीमोफीलिया रोग होता है, लोहा की कमी से हीमोफीलिया हो जाता है, इसमें कमजोरी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आइए जान लेते हैं कि अभाज्य जनक रोग है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा इस तालिका को, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं तालिका को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आते हैं। नेक यहाँ पर देखेंगे अभावजन्य रोग, इसमें रोग जो था वो क्या होता था, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो
पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उससे भोजन में किसी भी पोषक तत्वों की कमी होगी। पहले बताया था कोई भी पोषक तत्व कमी नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा होना चाहिए। अगर कमी हो जाती है तो अगर कमी लंबे अवधि तक बन जाती है तो उसके अभाव से व्यक्ति क्या होगा, ग्रसित हो जाएगा, यानी उस रोग से ग्रसित हो जाएगा। और पोषक तत्व जो होगा वह हमारे शरीर में नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत तरह के विकृतियाँ क्या होती हैं, उत्पन्न होने लगती हैं, बहुत तरह के विकृतियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। और तो इसे क्या है, लंबे समय तक बना रहेगा, यानी वैसा रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव कारण होता है उसे अभावजन्य रोग कहा जाता है। मतलब अगर पोषक तत्वों की कमी होगी और लंबे समय तक रोग बना रहा है, उसको हम लोग अभावजन्य रोग कहते हैं। आप समझे होंगे, अगर देखिए यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन लिखा है यहाँ पे कि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी, पेचिश इत्यादि। यदि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों की किसी व्यक्ति से आगे लंबे समय तक कमी होती है तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से क्या होती है, अवरोध हो जाती है। ऐसे व्यक्ति क्या होता है, दुबला पतला हो जाता है, वह इतना दुर्बल हो जाता है कि चलने में भी असमर्थ होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए काफ़ी जरूरी पोषक तत्व है, ये लंबे समय तक अनुपस्थित तो वृद्धि रुक जाएगी और वो व्यक्ति दुर्बल होते जाएगा, चलने में भी असमर्थ होगा। तो आई होप आप ये समझे थे। अब देखिए उसके कुछ सारांश है जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो पूरा पढ़े उसका सारांश कुछ है। देखिए हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम मैं पहले बताया था, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन यानी CpFvm विटामिन तथा खनिज लवण, इसके अतिरिक्त भोजन में हाई वैसे तथा जल भी होते हैं। चार से पांच चीज़ें ये हुई पोषक तत्व, उसके अलावा जल भी रहता है और भोजन भी रहता है। इसके बाद से कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। सभी पोषक तत्वों का अलग अलग वर्क है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा रहेंगे तो हमारे शरीर को क्या करेंगे, ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा संरक्षण के लिए होती है। इसमें प्रोटीन और खनिज लवण जो होंगे क्या करेंगे, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जरूरत होते हैं। विटामिन का क्या वर्क है, तो विटामिन हमारे शरीर से रोगों की रक्षा में सहायता करते हैं। विटामिन जो होंगे ना हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की सहायता करते हैं। और फिर नीचे लिखा हुआ है कि संतुलित आहार में हमारे शरीर में आवश्यक सभी पोषक तत्वों का पर्याप्त रूप से अंश और जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। संतुलित आहार अभी मैं बताया कि इसमें सारी चीज़ उपस्थित रहेंगे उचित मात्रा में। हमें आहार में लंबे अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्व की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब एक ही चीज़ ले रहे हैं, आहार में पोषक तत्व की कमी अगर आ गई है तो हमारे उसकी कमी से हमें अनेक तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आई होप ये मैं जो समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कर दें। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, उसको मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपके कंप्लेंट को या जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए ऐसे ही। जय हिंद।